हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेल एंथुसिएस्ट रविश पर। तो आज मैं आपको जिस जगह पर लेकर आया हूँ, उस जगह का नाम है फूलपुर रेलवे स्टेशन। फूलपुर जिसका स्टेशन कोड है PLP और ये प्रयागराज जनपद का हिस्सा है और इसका जोन है नॉर्दर्न रेलवे, उत्तर रेलवे और इसका डिवीज़न है लखनऊ का चारबाग, जो कि सेक्शन में पड़ता है फाफा मऊ से जंघई सेक्शन के बीच। तो ये है फूलपुर रेलवे स्टेशन। अगर इस स्टेशन की प्रमुख स्टेशन से दूरी की बात करें तो प्रयागराज जंक्शन से इस स्टेशन की दूरी लगभग 56 किलोमीटर की है और जंघई रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग वो भी इतनी ही बैठती है, 52-53 किलोमीटर की दूरी है जंघई रेलवे स्टेशन की। और यहाँ से फाफा मऊ रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 40 किलोमीटर की है। तो ये रेलवे स्टेशन पड़ता है फाफा मऊ से वाराणसी जाने वाले ट्रैक पर और इसका सेक्शन है फाफा मऊ से जंघई, जंघई में फिर ये वाराणसी से रायबरेली प्रतापगढ़ होकर जो लखनऊ ट्रैक गया उसे ज्वाइन करती है। हम बात करें फूलपुर की तो फूलपुर एक काफ़ी बड़ा टाउन एरिया है प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट का, और कह सकते हैं प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत डेवलप्ड एरियाज़ में से एक है, क्योंकि यहाँ पर फेमस इफ़्को फर्टिलाइज़र फैक्ट्री भी है, साथ ही कुछ और भी एग्रो बेस्ड कंपनीज यहाँ पर काम कर रही हैं, जिस वजह से इसका काफ़ी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है। आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध इलाका है ये और प्रयागराज जनपद का काफ़ी विकसित इलाका भी है फूलपुर, जिसका स्टेशन कोड है PLP। स्टेशन कैटेगरी की बात करें तो ये स्टेशन जो है D कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है और कुल प्लेटफॉर्म की संख्या यहाँ पर 3 है और मैं इस समय जिस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ ये 2 और 3 है। मेरे लेफ्ट में 2 और राइट में 3 प्लेटफॉर्म नंबर है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो कि इसका मेन प्लेटफॉर्म है। तो ये है फूलपुर रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड PLP। ये सामने देख रहे हैं रिटायरिंग रूम गार्ड और ड्राइवर के लिए। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर कहीं ट्रेन के गार्ड और ड्राइवर भी चेंज किए जाते हैं स्टेशन पे, और ये यहाँ रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए क्वार्टर्स बने हुए हैं और काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। सड़क भी है, बाउंड्री वॉल भी है और बाकी इलेक्ट्रिसिटी की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये है फूलपुर रेलवे स्टेशन। तो ये है फूलपुर रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड है PLP और कुल मिलाकर यहाँ पर प्लेटफॉर्म की संख्या है 3, जिसमें से ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3, बीच में मेन लाइन है, ये मेन लाइन है। ये फुटओवर ब्रिज है। और ये फुटओवर ब्रिज है फूलपुर रेलवे स्टेशन का, बहुत ही रेयरली ही कोई इसका यूज करता है, वरना तो ऐसे इस तरीके से जैसे आप सामने देख रहे हैं ऐसे ही लोग पटरी पार करना पसंद करते हैं, जो कि खतरनाक है। और ये देखिए हम आ गए हैं फुटओवर ब्रिज पर। आइए अब आपको फुटओवर ब्रिज के ऊपर से स्टेशन का नज़ारा दिखाते हैं।
तो अभी आप जो साइड देख रहे हैं ये है फाफाबाव साइड, और लेफ्ट में प्लेटफॉर्म 2 और 3 है और राइट में प्लेटफॉर्म 1। और ये सामने यहाँ का फेमस तालाब है जो कि इस स्टेशन का लैंडमार्क है, जो लोकेशन है गूगल लोकेशन मैप में फूलपुर के तालाब के नाम पर ही है। अब आप जो सामने देख रहे हैं ये सोलर पैनल्स इंस्टॉल हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की बिल्डिंग पर, और ये यहाँ से बाहर का नज़ारा। तो स्टेशन की जो लोकल ज़रूरतें हैं बिजली की वो इन्हीं पैनल्स से सोलर पावर से पूरी होती है। पीछे आप जो ये ब्रिज देख रहे हैं ये प्रयागराज से जौनपुर हाईवे का ब्रिज है, और पीछे देखेंगे अगर आप तो ये सामने जो चिमनीज दिखाई दे रही है यही इफ्को फूलपुर प्लांट की चिमनियाँ हैं, और ये प्लांट यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है और काफ़ी बड़ा प्लांट है, काफ़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये फूलपुर की और काफ़ी फेमस भी है इस इलाके के अंदर। और ये पटरी के किनारे भैंस चरती हुई, लोग अपने पशुओं को पटरी के किनारे छोड़ देते हैं जो कि बहुत ख़तरनाक है, कभी भी ट्रेन आ सकती है और हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, पशुओं को पटरी पर नहीं छोड़ना चाहिए। पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। ये है फूलपुर रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड है PLP। स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का ऑफिस, ये मेन एंट्रेंस है स्टेशन की, मेन गेट। तो ये है फूलपुर रेलवे स्टेशन का पूरा लुक बाहर से। काफ़ी नीला आकाश है, मौसम बहुत साफ है, और ये पक्षी भी अच्छे लग रहे हैं, बगुलों का झुंड। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1, शौचालय, और ये वाटर बूट, 1 रुपये में आपको पानी RO का मिल जाएगा इस बूट से, वाटर पॉइंट। ये वेटिंग हॉल पुरुष यात्रियों के लिए, वेटिंग हॉल भी है और टिकट घर भी है, दोनों ही चीज़ें हैं, और ये टिकट वेंडिंग मशीन भी है, और ये यहाँ का वाईफाई, हाई स्पीड वाईफाई लगा हुआ है गूगल का, और ये यहाँ पर किराया सूची है, इसको स्टेशन इसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिएगा। सेकंड क्लास जनरल स्लीप फेयर है, तो इस पर पूरी तरीके से यकीन मत कीजिएगा, अच्छा है, काफ़ी अच्छा स्टेशन है, साफ सफाई भी अच्छी है। और ये तालाब के पानी का सदुपयोग करते हुए धुलाई कपड़ों की। तो स्टेशन पर ये शौचालय दोनों हैं, महिला शौचालय पुरुष शौचालय, और साथ ही साथ वाटर वेंडिंग मशीन भी है, तो पानी की भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, वाटर पॉइंट है, 5 रुपये में आप बोतल भरवाइए। तो डी कैटेगरी के लिहाज से बहुत ही अच्छा रेलवे स्टेशन कह सकते हैं हम इसे, और यात्रियों के बैठने के लिए शेड भी है, सीसीटीवी कैमरा भी है, और मज़े की बात है कि यहाँ पर हाई स्पीड वाईफाई भी है गूगल का, सामने देखेंगे गूगल का वाईफाई लगा हुआ है, कभी मैं चेक करूंगा कि वाईफाई की स्पीड कैसी है, अभी पता चलेगा।
कर रहा था स्टेशन के अंदर मौजूद सुविधाओं की। तो यहाँ पर वाईफाई भी है, वो भी गूगल का। हमने स्पीड टेस्ट किया, काफ़ी अच्छी स्पीड है, बहुत अच्छी स्पीड है। कह सकते हैं इस छोटे स्टेशन पे इतनी बढ़िया स्पीड हमें मिल रही है, वो भी गूगल की ओर से सर्विस मिल रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने अभी टेस्ट किया तो लगभग 4 Mbps की स्पीड मुझे मिल रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एक कमी जो यहाँ इस स्टेशन पर है वो है यहाँ प्लेटफॉर्म की हाइट। प्लेटफॉर्म की हाइट नॉर्मल स्टेशन पर जितनी प्लेटफॉर्म की हाइट होती है उसकी जस्ट आधी है, जो कि काफ़ी और ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जो दिव्यांगजन हैं और जो वृद्ध जन हैं उनको ट्रेन में बोर्ड करते समय, चढ़ते समय या डीबोर्ड करते समय, उतरते समय कोई समस्या ना हो। तो रेलवे को इस ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो प्लेटफॉर्म की हाइट है वो बढ़ाई जाए। हालांकि मैं वीडियो में भले ही बोल रहा हूँ, हो सकता है रेलवे का प्लान हो जल्दी ही इसको अपग्रेड करने का, इसकी हाइट बढ़ाने का। तो अगर इसकी प्लेटफॉर्म की हाइट बढ़ जाएगी अलग अलग उस पर, तो वो काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी यात्रियों के लिए। यात्रियों को, खास तौर पर दिव्यांगजनों को और वृद्धजनों को काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। और ये काशी एक्सप्रेस का अनाउंसमेंट हो गया है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है, जो कि गोरखपुर से चलकर लोकमान्य तिलक टर्मिनस जाने वाली 15018 गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस काशी एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी। और ये यात्रियों में हलचल शुरू हो गई है। और ये काशी एक्सप्रेस अराइव करती हुई फुलपुर रेलवे स्टेशन पर। WAP 7 है, देखना होगा किस शेड का है, और आउटर पे शायद रुकी है ट्रेन। LHB रेक्स है, काशी एक्सप्रेस को भी LHB फाइड कर दिया गया है। अब वो देखिए आगे से प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर टर्न करती हुई ट्रेन। तो यात्रियों के लिए हलचल, काफ़ी संख्या में यात्री यहाँ मौजूद हैं। आप देखेंगे पूरा प्लेटफॉर्म नंबर 1 भरा हुआ है यात्रियों से। तो ट्रेन आ चुकी है, WAP 7 ऑन कर रहा है। और ये कानपुर का WAP 7 कानपुर शेड का है, 37332 WAP 7 कानपुर का। बनारस रेल कारखाना, हम बरेका बोलते हैं, काशी एक्सप्रेस गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस। तो आप यहाँ देखेंगे काफ़ी बैड ट्रेन है और भीड़ अच्छी खासी होती है ट्रेन के अंदर। मुंबई
भर जाने वाले यात्रियों से खचाखच भरी हुई है ट्रेन। और ये क्लियरेंस का वेट करती हुई काशी एक्सप्रेस फूलपुर रेलवे स्टेशन पर। डिपार्चर सिग्नल मिल गया है। काशी एक्सप्रेस को अभी डिपार्चर सिग्नल तो नहीं मिला है, रेड ही है, पता नहीं क्यों इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। डिपार्चर सिग्नल तो मिला ही नहीं है, शायद प्लेटफॉर्म पे पीछे फाटक के पास ट्रेन थी, इस वजह से ट्रेन को थोड़ा सा आगे किया जा रहा है। बाकी डिपार्चर सिग्नल तो मिला नहीं है अभी ट्रेन को, और ट्रेन रुकेगी। मेरे सामने डिस्टेंस पे आप देख रहे हैं वही प्रयागराज जौनपुर हाईवे। दूर से आप देखेंगे तो ये बग्घी जाती हुई, अच्छा नज़ारा है। ट्रेन के सामने हाईवे, और ये शादी वाली बग्घी जाती हुई। और अब इसको फाइनली सिग्नल मिल चुका है, तो अब ये डिपार्ट करेगी काशी एक्सप्रेस। फूलपुर रेलवे स्टेशन से डीजल लेस कोच भी है इसमें। कुल मिलाकर काफी इसमें एसी कोचेस भी हैं। तो ये काशी एक्सप्रेस डिपार्ट कर गई है फूलपुर रेलवे स्टेशन। समय हो रहा है इस समय 2:24, और ये ट्रेन आज
हमने पहले आपको बताया था कि ये लेट आई है, ये बिफोर टाइम आई थी, आज 20 मिनट पहले आई थी, इसी वजह से काफ़ी देर तक यहाँ पर रुकी रही। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की पेशकश फूलपुर रेलवे स्टेशन की। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। हमारी कोशिश रहती है कि जो इस रेलवे के छोटे स्टेशन हैं उसको भी आपको पूरा दिखाया जाए। तो मिलेंगे फिर आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी नए रेल फैनिंग एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, गुड बाय एंड टेक केयर।